डियर स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज इवेल्यूशन ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। तो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इवेल्यूशन पैरामीटर्स ऑफ द पेरेंटल डोजेस फॉर्म और वी कैन से स्टेराइल डोजेस फॉर्म। सो इवेल्यूशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, तो वी नो पेरेंटल प्रिपरेशंस आर स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी हमारे जितने भी पेरेंटल प्रिपरेशंस होते हैं वो स्टेराइल होते हैं और वो माइक्रोब से फ्री होते हैं। एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द इंजेक्शन और बाय अ इन्फ्यूजन और बाय द इम्प्लांटेशन। सो इवेल्यूशन ऑफ पैरामीटर, वाई इवेल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट, इवेल्यूशन इज इंश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी हम इवेल्यूशन के बाद ये कह सकते हैं, इंश्योर करते हैं हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी। कोई भी प्रोडक्ट्स हो उसके डिफरेंट इवेल्यूशन पैरामीटर होते हैं, उनको चेक और वेरीफाई करने के बाद अब कह सकते हैं कि अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है रेडी फॉर पेशेंट, रेडी टू यूज फॉर द पेशेंट। तो फिनिश्ड पेरेंटल प्रोडक्ट आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टेस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये सब टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन की क्वालिटी मेंटेन हो। तो टेस्ट क्या क्या है देखा जाए, क्लैरिटी टेस्ट, पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग, लीकर टेस्ट मीन्स लीकेज टेस्ट, पैरोजेन टेस्ट, दे आर हैविंग इन वीवो पैरोजेन टेस्ट, आरपीटी, रैबिट पैरोजेन टेस्ट, इन विट्रो पैरोजेन टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लाल टेस्ट, लिमुलस एम्बिवोसाइट लाइजेट, एसे मीन्स कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, एंड द लास्ट वन इज द स्टेरिलिटी टेस्ट। तो वन बाई वन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है क्लैरिटी टेस्ट, यानी पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग। तो नाम यहाँ पे क्लैरिटी, यानी हमारे पास जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन है इसका जो सोल्यूशन है ये मस्ट बी क्लियर होना चाहिए। मस्ट बी क्लियर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, यानी इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस टेस्ट इज कैरीड आउट टू चेक द पार्टिकुलेट मैटर इन द सैंपल। मैटर में भी बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, ये जो मैटर्स हैं फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये बायोलॉजिकल्स भी हो सकते हैं, यानी हमारे माइक्रोब्स के सेल डेब्रीज हो सकती हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल ओरिजिन के भी हो सकते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है। पार्टिकल साइज 50 माइक्रोमीटर इज डिटेक्टेड बाय द विजुअली बाय नेकेड आई, यानी हम लोग अपनी नेकेड आई से 50 माइक्रोमीटर तक छोटे पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं। पेरेंटल्स, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स विल बी फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकुलेट मटेरियल्स, यानी जो नेकेड आई से दिखाई दे विजिबल पार्टिकल वो फ्री होना चाहिए, एक भी वो पार्टिकल्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी फ्री फ्रॉम विजिबल फॉरेन पार्टिकल। तो अब हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन में पार्टिकुलेट मैटर है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए तीन मेथड्स यूज किए जाते हैं, विजुअल मेथड्स, फिल्ट्रेशन मेथड एंड लाइट्स ऑब्स्कुरेशन मेथड। विजुअल मेथड्स होते हैं विजिबल पार्टिकल्स के लिए, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिसका साइज 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा है। 5 माइक्रोमीटर से अगर कम है पार्टिकल साइज तो हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, इसके लिए हम बाकी अनदर दो मेथड्स यूज करेंगे। लेकिन जो पार्टिकल्स विजुअल आई से नेकेड आई से देख सकते हैं उनके लिए हम लोग ये विजुअल मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेंटली इन्वर्ट द कंटेनर और रोटेट एंड ऑब्जर्व फॉर अबाउट 5 सेकेंड इन फ्रंट ऑफ व्हाइट पैनल, रिपीट द प्रोसीजर इन फ्रंट ऑफ बैक ब्लैक पैनल, और इसके लिए यूज करते हैं क्लैरिटी टेस्ट ऑपरेटर्स। तो ये क्लैरिटी टेस्ट ऑपरेटर्स है, इसमें कहा गया दो बैकग्राउंड है, यहां पे आपके पास ये ब्लैक बैकग्राउंड है और ये व्हाइट बैकग्राउंड है, और यहां पे नीचे लाइट लगी होती है जो यहां पे, और ये हमारे पास है मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंटेनर है इसको कहा गया इन्वर्ट द कंटेनर या रोटेट, इस मैग्नीफाइंग लेंस के पीछे हम अपने कंटेनर को इन्वर्ट करते हैं या फिर इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद 5 सेकेंड तक इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें कोई विजिबल पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। ये जो प्रोसेस है ये रिपीट करते हैं ब्लैक बैकग्राउंड के
और वाइट बैकग्राउंड, यानी एक बार हम लोग अपने कंटेनर को ब्लैक बैकग्राउंड के सापेक्ष देखेंगे और दूसरी बार हम लोग वाइट बैकग्राउंड के सापेक्ष देखेंगे, और इन दोनों ब्लैक एंड वाइट पैनल जो हमारे पास है, इन दोनों बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो भी कंटेनर्स है उसमें इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि कोई विजिबल पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पेरेंट्रल मस्ट बी फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकल, यानी ये इस बात का कंडीशन है कि कोई भी विजिबल पार्टिकल्स आपके पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में नहीं होना चाहिए। अब पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में कहा गया पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन में कोई भी विजिबल पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन है, अगर इस कंडीशन में इसको सोल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो पहले हम लोग सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को एक बार ब्लैक बैकग्राउंड के सापेक्ष देखेंगे और एक बार व्हाइट बैकग्राउंड के सापेक्ष में देखेंगे, और इस बात को इंश्योर करेंगे कि कोई भी विजिबल पार्टिकल दिख रहा है कि नहीं। अगर कोई भी विजिबल पार्टिकल दिखेगा तो टेस्ट फेल कर जाएगा, और अगर कोई विजिबल पार्टिकल नहीं दिखेगा तो टेस्ट पास कर जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन मेथड सब विजिबल पार्टिकल्स के लिए, यानी मैंने कहा कि पार्टिकल का अगर वो नेकेड आई से दिख रहा है तो हम लोग विजुअल मेथड यूज करते हैं, अगर वो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है तो अब हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे। यानी दिस मेथड इज यूज फॉर द काउंटिंग पार्टिकल इन फ्लूइड, यानी सोल्यूशन में यहाँ पे भी चेक करेंगे। सैंपल आर पास थ्रू द फिल्टर, मटेरियल रिटेन ऑन द फिल्टर आर इवेल्युएटेड अंडर बायनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो हम लोग यहाँ सिंपल प्रोसीजर फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास है, इस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद फिल्टर पेपर पे जो भी मटेरियल रिटेन हुआ है उसको इवेल्युएट करेंगे बाय यूजिंग बायनोकुलर माइक्रोस्कोप। ओके, द फिल्टर इज ब्लैक और डार्क ग्रे कलर में होना चाहिए, हैज पोर साइज 1.0 माइक्रोमीटर और लेस, यानी जो भी फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं वो ब्लैक या डार्क ग्रे का होना चाहिए, और उसमें जो पोर साइज है वो 1.0 माइक्रोमीटर या उससे कम का होना चाहिए। तो इस कंडीशन में फ्लूइड यूज करेंगे। यहां पर भी अगर आप ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन है आपके पास तो सबसे पहले आप उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, और सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे, और फिल्टर पेपर से पास करने के बाद जो भी मटेरियल फिल्टर पेपर पर रिटेन हो रहा है उसको बायनोकुलर माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में डिटेक्ट करेंगे, और इस बात को काउंट करेंगे कि कितने पार्टिकल्स आपके इस फिल्टर पेपर पे रिटेन हो रहे हैं। और इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो काउंट करते हैं 10 माइक्रोमीटर और 25 माइक्रोमीटर्स। तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 माइक्रोमीटर के और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल 25 माइक्रोमीटर्स के हैं। लाइट ऑब्स्कुरेशन मेथड सब विजिबल पार्टिकल के लिए भी है, यानी जो पार्टिकल हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता उसके लिए हम लोग एक मेथड और यूज करते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लाइट स्कैटरिंग एंड लाइट ब्लॉकेज प्रिंसिपल, यानी यहां पे हम लोग लाइट प्रिंसिपल यूज करते हैं और लाइट पास करेंगे, और अगर पार्टिकल्स अवेलेबल है तो लाइट को स्कैटर्ड करेगा या ब्लॉक करेगा, इस प्रिंसिपल पे हम लोग पार्टिकल्स को काउंट करते हैं। इट गिव क्वांटिटेटिव रिजल्ट फॉर द पार्टिकल्स इन द पेरेंट्रल फिल्ट्रेशन, नॉट सुटेबल फॉर इमल्शन एंड कोलोइड्स। ये जो मेथड है ये इमल्शन और कोलोइड्स के लिए सुटेबल नहीं है, अदर देन इमल्शन और कोलोइड्स के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। तो ये क्लैरिटी टेस्ट मेथड था जिसमें हम लोग इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि हमारे सॉल्यूशन में पेरेंट्रल वाइब्रेशन में फॉरेन पार्टिकल की प्रेजेंस है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोगों ने, अगर पार्टिकल विजिबल है तो उसके लिए विजिबल मेथड यूज किए, और यदि पार्टिकल विजिबल नहीं है नेकेड आई से तो इसके लिए हम लोगों ने फिल्ट्रेशन मेथड यूज किया और लाइट ऑब्स्कुरेशन मेथड यूज किया। अब सेकेंड टेस्ट है लीकर टेस्ट, यानी इसी को हम लोग लीकेज टेस्ट भी कहते हैं। लीकेज का मतलब ही होता है कि हमारे जो पैकेजिंग कंटेनर है उससे हमारा जो मटेरियल है वो लीक कर रहा है कि नहीं, इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। इट इज यूज टू डिटेक्ट इनकम्प्लीटली सील्ड एम्प्यूल्ड और पैकेज इंटीग्रिटी। तो ये डिटेक्ट करेगा इनकम्प्लीटली सील्ड एम्प्यूल, यानी जो हमने एम्प्यूल्स को सील किया है वो प्रॉपर तरीके से सील है कि नहीं है। पैकेज इंटीग्रिटी, यानी जिसमें हमने अपने कंटेनर प्रोडक्ट को रखा है वो पैकेज
अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया है कि नहीं, और इंटीग्रिटी मींस इट्स एबिलिटी टू कीप द प्रोडक्ट इन एंड पोटेंशियली कंटेमिनेशन आउट। यानी जो भी पैकेजिंग कंटेनर है हमारे पास उसमें क्या कीप द प्रोडक्ट इन, यानी जो प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग के अंदर होना चाहिए। अब पोटेंशियली कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब इंप्योरिटीज क्या होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। यानी अगर सपोज दैट कोई कंटेनर है हमारे पास इस तरह से, इसमें जो प्रोडक्ट है इसको हमने कवर कर दिया, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कंटेनर के इनसाइड रहना चाहिए और जो कंटेमिनेशन है इससे आउट होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पैकेजिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसको सेफ रखे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में ना आए। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या टेस्ट करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, बबल टेस्ट करेंगे, डाई बाथ टेस्ट करेंगे और वैक्यूम आयनाइजेशन टेस्ट करेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या करेंगे, अगेन हम लोग नेकेड आई से इस बात को चेक करेंगे कि हमारे पैकेजिंग कंटेनर में कोई लीकेज है कि नहीं है। इट इज अ लीस्ट सेंसिटिव मेथड और ये बहुत ही लीस्ट सेंसिटिव मेथड है, यूज फॉर द वायल सैंप्यूल एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल्स, है कि नहीं है। सेकेंड टेस्ट जो हम लोग करेंगे डाई बाथ टेस्ट, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डाई बाथ टेस्ट, नाम ही है, डाई मीन्स होता है कलर, बाथ मतलब होता है नहलाना, यानी कलर सोल्यूशन से हम इसको बाथिंग करेंगे। इस सिस्टम में क्या करते हैं, द टेस्ट कंटेनर इमर्ज इन द डाई 0.5 to 1% मेथाइलिन ब्लू बाथ, फिर अगेन हम लोग वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम फॉर 30 मिनट्स एंड प्रेशर इज अप्लाइड फॉर सम टाइम, देन कलर्ड वाटर इंटर्स इन द एम्प्यूल्स इफ लीकेज इज प्रेजेंट, यानी हम लोग एंड द कंटेनर इज रिमूव फ्रॉम द डाई बाथ एंड वॉश्ड एंड द कंटेनर इज इंस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ डाई ऑब्लिक कलर। तो इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं इस तरह से, इसमें हमने वाटर लिया, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, फिर इसमें ऐड करेंगे डाई, डाई मींस कलर। जैसे ही कलर ऐड करेंगे तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वाटर है क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, और फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एम्प्यूल्स, एम्प्यूल्स क्या होना चाहिए, सबमर्ज होना चाहिए, पूरी तरह से डिप होना चाहिए, और फिर इसको हम लोग कवर कर देंगे कंटेनर को। कंटेनर को कवर करने के बाद, यानी पहले काम हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद उसमें डाई मिला दिया जो कलरफुल हो गई हमारा वाटर, और उसके बाद हमने इसमें एम्प्यूल ऐड कर दिया, एम्प्यूल ऐड करने के बाद इसको कवर कर दिया, कवर करने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे वैक्यूम। जैसे वैक्यूम अप्लाई करेंगे यहां से जो एयर है वो यहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, और फिर वी कैन अप्लाई अ प्रेशर। यानी जब हमने वैक्यूम अप्लाई किया प्रेशर, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर इस एम्प्यूल के अंदर कोई लीकेज होगा तो वाटर आउटसाइड से कहां चला जाएगा, इन, यानी एम्प्यूल के अंदर अगर कोई लीकेज होगा तो। अब वैक्यूम और प्रेशर अप्लाई करने के बाद लीड को ओपन करेंगे और यहां से एम्प्यूल को बाहर निकालेंगे, एम्प्यूल को इस तरह से बाहर निकाला गया, और इस एम्प्यूल को बाहर निकालने के बाद इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद अब इसको चेक करेंगे कि एम्प्यूल के अंदर कलर है कि नहीं। अगर एम्प्यूल्स के अंदर कलर आ गया इसका मतलब एम्प्यूल के अंदर लीकेज है, और अगर कलर नहीं आया तो इसका मतलब एम्प्यूल के अंदर लीकेज नहीं है। तो द कलर विल बी विजिबल विद इन एम्प्यूल इफ लीकेज इज देयर, यानी कलर विजिबल होगा एम्प्यूल्स के अंदर अगर लीकेज होगा। वायल्स एंड बॉटल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू सच अ लीकर टेस्ट बिकॉज ऑफ रबर क्लोजर इज नॉट रिजिड, यानी ये जो डाई बाथ टेस्ट है ये सिर्फ एम्प्यूल के लिए यूज करते हैं, ये एम्प्यूल्स के लिए है सिर्फ। वायल्स एंड बॉटल्स के लिए हम लोग इस टेस्ट को यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रबर क्लोजर लगा होता है और रबर क्लोजर ज्यादा रिजिड नहीं होता है। सेकेंड टेस्ट बबल टेस्ट करेंगे, यानी एम्प्यूल्स को तो हमने डाई बाथ टेस्ट से चेक कर लिया, अब हमारे पास जो वायल्स एंड बॉटल्स बचे हुए हैं इनके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, बबल टेस्ट।
दिस टेस्ट इज यूज फॉर द वायल्स एंड बॉटल्स इन विच सफिशियंट गैसेस इज अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ डिटेक्टेबल बबल्स कंटेनर्स आर सबमर्ज इन द लिक्विड एंड डिफरेंशियल प्रेशर इज अप्लाइड एंड इंस्पेक्ट द बबल्स फॉर्मेशन. यानी यहां पे भी कंटेनर को सबमर्ज करेंगे, डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करेंगे और इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं. बबल्स का फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपके वायल्स और बॉटल के अंदर एयर है तो एयर जैसे ही लीकेज होगा तो उस लीकेज के थ्रू एयर बाईपास करेगा और जैसे लिक्विड से बाईपास करेगा लिक्विड में क्या बनने लगेगा, बबल्स. और बबल के डिटेक्शन से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे वायल्स एंड बॉटल्स में लीकेज थी. वैक्यूम आयनाइजेशन टेस्ट, इसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल गैस आयनाइजेशन या स्पार्क क्वाइल टेस्ट. यूज फॉर वायल्स एंड बॉटल सील अंडर द वैक्यूम. इस बात का ध्यान रखना है कि ये उन पैकेजिंग मटेरियल के लिए है जिनमें पेरेंटरस को अंडर वैक्यूम पैक किया गया, और अंडर वैक्यूम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एयर. यानी अभी तक जो फ्यूल और वायल्स हमने लिया उसमें एयर है, इनर्ट एयर्स होती है, लेकिन यहां पे जो वायल्स एंड बॉटल्स है इसमें एयर नहीं है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बॉटल और वायल्स विच कॉज आयोनाइजेशन ऑफ रेसिडुअल हेड स्पेस गैस. इफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विजिबल लाइट इज ऑब्जर्व. विजिबल लाइट इंडिकेट द लॉस ऑफ वैक्यूम विद इन द बॉटल विच इंडिकेट्स द लीकेज. मैंने कहा वैक्यूम अप्लाई करते हैं, तो वैक्यूम आपने अप्लाई किया तो उस कंटेनर के अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए कह रहा है कि जब हम इस टेस्ट को अप्लाई करेंगे तो अगर विजिबल लाइट ऑब्जर्व हो रही है, और विजिबल लाइट ऑब्जर्व कब होगी, जब वायल्स एंड बॉटल के अंदर क्या होगा, एयर. अगर वायल्स एंड बॉटल के अंदर एयर है तो विजिबल लाइट दिखेगी, इसका मतलब है कि हमारे पैकेजिंग जो कंटेनर है उसमें लीकेज है. और अगर विजिबल लाइट ऑब्जर्व नहीं हुई तो इसका मतलब उसमें लीकेज नहीं है. पायरोजन टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, पायरोजन मीन्स फायर या हीट जनरेटिंग सब्सटेंस. यानी पायरोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हीट या फायर जनरेट होगा, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं फीवर. पायरोजन टेस्ट किसके लिए, इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स. यानी पार्टिकुलेट मैटर्स में इस बात को इंश्योर नहीं किए कि जो बायोलॉजिकल पार्टिकुलेट मैटर्स था वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लेकिन पायरोजन से इस बात को हम लोग इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस पोटेंट एंडोटॉक्सिन देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. पायरोजन में भी एक्सोजीनस, पायरोजन एक्सोजीनस भी हो सकता है और एंडोजीनस भी हो सकता है, यानी दोनों तरह के हो सकते हैं. एक्सोजीनस मीन्स लाइपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस से इसको इंडिकेट करते हैं. पायरोजेंस आर हीट स्टेबल विथ स्टैंड नॉर्मल स्टरलाइजेशन टेम्परेचर. यानी ये हीट पायरोजेंस होते हैं हीट स्टेबल, और हीट स्टेबल अगर है तो ये प्रोबेबल हो सकता है कि नॉर्मल स्टरलाइजेशन टेम्परेचर को ये रजिस्ट कर जाए. अब पायरोजन टेस्ट क्यों किया जाता है, पायरोजन टेस्ट करने की वजह यह है कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग हम पेरेंटल प्रिपरेशन को फॉर्मुलेशन करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए. हम लोग लैमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, इस बात को प्योर इंश्योर करते हैं कि ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट ना करे. लेकिन एक्सीडेंटली अनइंटेंशनली अगर कोई माइक्रोब्स हमारे प्रोडक्ट्स में रह जाता है तो इट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट टू द पेशेंट. यानी पेशेंट के ऊपर ही एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए पायरोजन टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है. टू टेस्ट फॉर पायरोजन आर रिकॉग्नाइज, दो टेस्ट करते हैं, इनविवो पायरोजन टेस्ट, इनविट्रो पायरोजन टेस्ट एन आरपीटी, रैबिट पैरोजन टेस्ट एंड लाल लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट टेस्ट. इन वीवो पैरोजन टेस्ट, आरपीटी, रैपिड पैरोजन टेस्ट. नाम यहां पे इन वीवो, वीवो का मतलब होता है इनसाइड सेल, यानी लिविंग होस्ट अब हमको यहां पे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए
हम लोग यहाँ पे रैबिट यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम ही है रैबिट पैरोजन टेस्ट। ये डिटेक्ट करेगा एलपीएस यानी लिपोपॉलीसेकेराइड एंड अदर पैरोजेंस को, यानी इन वीवो के लिए हम लोग यूज करते हैं रैबिट। तो यूज करेंगे हेल्दी रैबिट हैविंग वेट नॉट लेस देन 1500 ग्राम और 1.5 केजी, यानी हम लोग हेल्दी रैबिट यूज करेंगे जिसका वेट 1.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए। रैपिड का जो टेम्परेचर है मोर देन 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट यूज फॉर द टेस्ट। मींस अगर रैबिट का टेम्परेचर 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है या 38.0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो ऐसे रैबिट को भी हम लोग इन वीवो पैरोजन टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। तो दो कंडीशन यहां पे आपको मिली कि रैबिट का वेट 1.5 केजी होना चाहिए, 1.5 केजी से कम नहीं होना चाहिए, एंड जो टेम्परेचर है नॉट मोर देन 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस देन 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर 39.8 से ज्यादा है तो भी रैबिट को यूज नहीं करेंगे और 30.8 से कम है तब भी हम लोग रैबिट को टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। इफ रैबिट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पैरोजन टेस्ट परफॉर्म साम टेस्ट बिफोर द पैरोजन टेस्ट, यानी रैबिट अगर हम लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में हम लोग पैरोजन टेस्ट से पहले एक सैम टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। यानी सैम टेस्ट या प्रीलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि रैबिट पैरोजन टेस्ट के लिए रेडी है कि नहीं या पैरोजन टेस्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। सैम टेस्ट में क्या करते हैं, इंजेक्ट इंट्रावेनसली पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन 10 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सेकेंड, रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स। एनी रैबिट शोइंग अ टेम्परेचर वेरिएशन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड या और मोर शुड नॉट बी यूज इन द मेन टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि सैम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, रैबिट हमने लिया और इस रैबिट में हम लोग पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे रैबिट के अंदर। इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने की कंडीशन है 10 ml पर केजी, यानी 1 kg रैबिट के लिए 10 ml, और इस हिसाब से उसका बॉडी वेट बढ़ता जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा। तो इंजेक्ट करने के बाद रैबिट का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे और टेम्परेचर वेरिएशन चेक करेंगे, अगर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उस रैबिट को हम लोग टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। इट मींस अगर एग्जांपल के कहें रैबिट का आपने इनिशियल टेम्परेचर लिया, इनिशियल टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इंजेक्ट करने के बाद इसका टेम्परेचर आ गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस कहा जाए कि क्या डिफरेंस है टेम्परेचर का, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हो गया 38 माइनस 37 इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो ये रैबिट हम लोग टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। अगर यही अगेन कोई दूसरा रैबिट अगर हम लोग यूज करें और इस रैबिट को अगर हम लोग पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन दें और इसका इनिशियल टेम्परेचर 37 है और फाइनल टेम्परेचर 37.2, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 0.2, यानी 0.2 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो इस रैबिट को टेस्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन हो रहा है इनिशियल और फाइनल, ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि वो जब पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन के लिए इतना सेंसिटिव है तो मे भी हो सकता है हमारे पेरेंटरल प्रिपरेशन का भी फाल्स रिजल्ट दे, इसलिए ऐसे रैबिट को टेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। अब आते हैं मेन टेस्ट पे। अब हम लोग रैबिट का प्राइमरी टेस्ट हम लोगों ने कर लिया कि रैबिट हमारे मेन टेस्ट के लिए रेडी है कि नहीं, अगर वो सैम टेस्ट को पास करता है तो फिर हम लोग उसको मेन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं तीन रैबिट यूज करेंगे और यहां पे भी सेम, डिजॉल्व द सब्सटेंस आर डाइल्यूटेड विथ पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन। हम अपने जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स आएगा, ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन है, सॉल्यूशन है, तो इसको डाइल्यूट करेंगे पैरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन के साथ।
फिर इसी सॉल्यूशन को वार्म करेंगे 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बिफोर इंजेक्शन, यानी हमारे पास जो अब सॉल्यूशन बचा है इसको थोड़ा सा हीट देंगे, और हीट का मतलब 37 प्लस माइनस 2 यानी 35 से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे जो सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, कितना इंजेक्शन हम रैबिट को देंगे, नॉट लेस देन, एनएलटी का मतलब होता है नॉट लेस देन 0.5 एमएल पर केजी, नॉट मोर देन 10 एमएल पर केजी। अभी आगे साम टेस्ट में 10 एमएल पड़ा, यानी मिनिमम दिया गया 0.5 एमएल पर केजी एंड नॉट मोर देन 10 एमएल पर केजी, यानी इन दोनों के बीच में बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको वॉल्यूम इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट द सॉल्यूशन इन मार्जिनल ईयर वेन, यानी हम लोग जो सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे वो ईयर के मार्जिनल वेन्स में हम लोग इंटर करेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, यानी टेम्परेचर जो लेंगे रैबिट का वो रेक्टम से लेंगे, तो क्लिनिकल थर्मामीटर रेक्टम में इंसर्ट करेंगे और टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच रैबिट इन इंटरवल ऑफ 30 मिनट फॉर 3 आवर्स, यानी हर आधे घंटे पे उसका टेम्परेचर लेंगे 3 घंटे तक। फिर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज नोटेड टेकन एज रिस्पॉन्स, यानी हम लोग डिफरेंस लेंगे इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर का और उसको एज अ रिस्पॉन्स मानेंगे कि हमारे बॉडी टेम्परेचर में इतना चेंज हुआ। तो इसको कहा गया, जो रिजल्ट देखा गया, सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ थ्री रैबिट ग्रुप डज नॉट एक्सीड 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंडिविजुअल रैबिट इज लेस देन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमारा टेस्ट पास होगा। सम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ थ्री रैबिट 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इंडिविजुअल रैबिट का 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर यूज करेंगे 5 रैबिट्स को। अगेन 3 रैबिट फेल होने का रीजन हो सकता है एक्सीडेंटली या प्रॉपर तरीके से टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया गया, तो हो सकता है टेस्ट हमारा फेल कर गया, तो फिर अगेन हम उस कंडीशंस को चेक करने के लिए 5 रैबिट्स को यूज करेंगे। एंड सम ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ ग्रुप ऑफ 8 रैबिट, 8 रैबिट का डज नॉट एक्सीड 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल है, हम लोग अपना सॉल्यूशन लेंगे, इस सॉल्यूशन को हम लोगों ने 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे और फिर इसको इंजेक्ट करेंगे रैबिट में, इंजेक्ट करेंगे रैबिट में वो भी बाय मार्जिनल ईयर वेन्स, और रैबिट करने के बाद 30 मिनट्स पे क्या नोट करेंगे, टेम्परेचर हर 30 मिनट्स पे। ये जो टेम्परेचर है ये इस टेम्परेचर को कहेंगे फाइनल टेम्परेचर, हर 30 मिनट्स पे टेम्परेचर नोट करेंगे फॉर 3 आवर्स, और उसके बाद जो जो उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, 3 रीडिंग हम 30 मिनट्स का मतलब हो गया कि पहले 30 मिनट्स पे लिया एक टेम्परेचर आ गया 5, फिर हमने लिया 60 मिनट पे आ गया 5, फिर हमने लिया 90 मिनट्स पे आ गया 6, यानी इसी तरह से हम लोग 3 आवर्स तक टेम्परेचर लेंगे। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर है 6, तो इस मैक्सिमम टेम्परेचर 6 को हम लोग लेंगे और इनिशियल टेम्परेचर से इसको माइनस करेंगे। अब अगेन फिर वही कहा गया कि सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ थ्री रैबिट ग्रुप डज नॉट एक्सीड 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड और इंडिविजुअल, अगेन वही अगर रैबिट है हमारे पास तो इसका इनिशियल टेम्परेचर मैंने कहा 37 है और इंजेक्शन देने के बाद फाइनल टेम्परेचर आ गया 37.2, तो डिफरेंस अगर देखा था तो 0.2, तो लेस देन 0.6 है तो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। लेकिन अगर यही 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो यहां पे हमारे पास आएगा 2.2, यानी ये 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा। तो जैसे टेस्ट फेल होगा अगेन हम लोग 5 रैबिट्स को और यूज करेंगे, 5 रैबिट्स को सेम प्रोसेस यूज करेंगे, यानी अगेन उसको भी पैरोजन फ्री सॉरी उसको सोल्यूशन देंगे मार्जिनल ईयर वेन में और फिर उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर नोट करेंगे। और यहां लिखा है कि सम ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द ग्रुप ऑफ 8 रैबिट डज नॉट एक्सीड 3.7, यानी सम जो रिस्पॉन्स है सम 8 रैबिट का सम 3.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इन विट्रो पैरोजन टेस्ट, इन वीवो के लिए हमें लिविंग होस्ट चाहिए था जिसके लिए हम लोगों ने रैबिट यूज किया, अब हम लोग यूज करेंगे इन विट्रो पैरोजन टेस्ट। इन विट्रो पैरोजन टेस्ट यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, लिम्यूलस अम्यूबोसाइट लाइजेट टेस्ट। इट मेजर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन यूजिंग अम्यूबोसाइट लाइजेट। तो लाल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जाने, लाल लिम्यूलस अम्यूबोसाइट लाइजेट डिटेक्ट ओनली एलपीएस, अभी आप पिछले स्लाइड में मैंने लिपोपॉलीसैकेराइड। लाल क्या, एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड सेल ऑफ हॉर्स सू क्रैब जिसको हम कहते हैं लिम्यूलस पॉलीफेमस। अम्यूबोसाइट इसको कहा जाता है, अम्यूबोसाइट मीन्स मोबाइल सेल, यानी मूव लाइक अमीबा, इसके जो सेल हैं ये अमीबा की तरह मूव करते हैं बाय यूजिंग फॉल्स स्यूडोपोडिया। लाइजेट मीन्स इट इज एन एंजाइम। तो लाल क्या, एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लड सेल ऑफ हॉर्स सू क्रैब। लाल टेस्ट के लिए करते क्या, टेस्ट सोल्यूशन यूज करेंगे, टेस्ट सोल्यूशन में सेल लाइजेट मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनक्यूबेट करते हैं फॉर 1 आवर, और 1 आवर के बाद चेक करते हैं अगर फर्म जेल बन गया, अगर जेल का फॉर्मेशन हो रहा है इट मीन्स एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। यानी हमने जो सोल्यूशन लिया, यानी हमारा जो पेरेंटल प्रिपरेशन था, सोल्यूशन में जैसे हमने लाइजेट मिलाया, लाइजेट मिलाने के बाद इनक्यूबेट करने के बाद अगर जेल का फॉर्मेशन हो रहा है इट मीन्स कि हमारे सोल्यूशन में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, और अगर जेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब एंडोटॉक्सिन नहीं है। तो क्लियर, इससे बहुत आसानी से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि हमारे पेरेंटल फॉर्मुलेशन में पैरोजन है कि नहीं है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इफ एडेड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट टू द सोल्यूशन लाइजेट रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द कलर। यानी ये जो लाइजेट है इसमें अगर कोई डाई मिला दिया जाए तो जैसे डाई मिलाएंगे तो जेल का कलर क्या होगा, उसी कलर का मिल जाएगा, यानी इससे डिटेक्शन और इजी हो जाएगा। तो लाल टेस्ट की तरह, लाल मींस लिम्यूलस अम्यूबोसाइट की तरह और भी टेस्ट यूज करते हैं। लाल मींस यूज करते हैं स्पीसीज ऑफ हॉर्स सू क्रैब जिसको लिम्यूलस पॉलीफेम्स कहते हैं। इसी तरह से टाल टेस्ट होता है, यूज स्पीसीज ऑफ हॉर्स सू क्रैब टैकीफाइलस ट्राइडेटस। काल यूज करते हैं, सीएल यूज फॉर स्पीसीज ऑफ हॉर्स सू क्रैब कार्सिनो स्कॉर्पियस रोटीन डी कॉडा। तो यानी लाल टेस्ट की तरह ही हमारे पास टाल टेस्ट भी है और काल टेस्ट भी है। इसमें क्या है, हॉर्सूस की स्पीसीज बदल जाती है बट जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वही है कि हम अपने टेस्ट सोल्यूशन को लेंगे और उस टेस्ट सोल्यूशन में सेल लाइजेट को मिक्स करेंगे, उसको इनक्यूबेट करेंगे 1 आवर के लिए, और अगर जेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, और जेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है। ऐसे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, अब हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट का मतलब है कि अगर हमने कोई पेरेंटल प्रिपरेशन लिया, कहा गया कि 5 ml में 100 mg पीसीएम अवेलेबल है, यानी 5 ml में 100 mg पीसीएम है, तो इस बात को चेक करेंगे कि क्या 5 ml में 100 mg पीसीएम है कि नहीं, इसी को कहते हैं ऐसे या कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। तो ऐसे इस परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ यानी फार्माकोपिया, फार्माकोपिया में ऐसे का पैरामीटर्स दिया वो हर ड्रग का, और जो पैरामीटर दिया वो उसी पैरामीटर से हम उसको चेक करेंगे। यूज टू चेक द क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन द पेरेंटल प्रिपरेशन, यानी यूज टू चेक क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट, कितनी क्वांटिटी मेडिकामेंट की प्रेजेंट है पेरेंटल प्रिपरेशन। इसके लिए हम लोग 30 स्टेराइल यूनिट्स आर रैंडमली सेलेक्ट, यानी 30 स्टेराइल यूनिट को सेलेक्ट करते हैं। 10 ऑफ देम एसेड इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एसेड मेथड। 30 स्टेराइल यूनिट्स को सेलेक्ट किया गया, पहले 10 को हम लोग ऐसे करेंगे जो फार्माकोपिया में जिस भी मेथड से मेंशन किया गया। ईच इंडिविजुअल कंटेंट इज 85 to 115% ऑफ द एवरेज कंटेंट, यानी जो लिमिट दी गई वो 85 से 115% दी गई। अगर मैं कहूं कि जैसे मैंने कहा 100 mg पैरासिटामोल, तो 100 mg पैरासिटामोल का मतलब है कि अगर हम इसको चेक करें तो 5 ml में 85 mg भी अगर आ गया तो भी टेस्ट हमारा पास कर गया, 115 mg भी आ गया तो भी हमारा टेस्ट पास कर गया। यानी जो रेंज दी गई वो 85 से लेके 115% दी गई कि हमारा जो ड्रग का कंटेंट है वो 85 to 115 mg के बीच में होना चाहिए।
टेस्ट फेल कब करेगा? आपने 10 स्टेराइल यूनिट को टेस्ट किया, अगर सारे 10 85 और 115 की रेंज में है तो हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। फेल कब का? इफ मोर देन वन इंडिविजुअल कंटेंट आउटसाइड दिस लिमिट, यानी हमारे पास 10 है, यानी एक का हो गया 85, दो का हो गया 86, तीसरे का आ गया 76, यानी और चौथे का आ गया 75। अब इस ये दो कंटेंट हमारे क्या हो गए, 85 से नीचे आ गए, यानी हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल। इफ मोर देन वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल से ज्यादा इस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ वन इंडिविजुअल कंटेंट इज आउटसाइड द लिमिट 85 to 150, यानी यहां कहा गया कि पहला कंडीशन क्या है, इफ मोर देन वन इंडिविजुअल, यानी एक से ज्यादा, जैसे ही दो यूनिट 85 और 150 से बाहर गए हमारा टेस्ट फेल कर गया। दूसरी कंडीशन क्या, वन इंडिविजुअल आउटसाइड, यानी एक ही सिर्फ आउटसाइड गया है 85 to 150 ऑफ एवरेज कंटेंट, बट विद इन द लिमिट 75 to 150, लेकिन उसकी रेंज क्या है 75 to 150। रिपीट द टेस्ट यूजिंग अनदर 20 डोजेस फॉर्म, यानी अगर आपने 10 टैबलेट्स लिया, 1 इसका आ गया 85, 2 का आ गया 75 और बाकी का 86, 110, 115, इस तरह से बाकी 9 का, हमारे 9 के इस तरह से रेंज में आ गए। ये जो 75 आया, यानी ये हमारे इस रेंज में आ गया 75 to 150, यानी अब हमारा टेस्ट फेल नहीं होगा। जो हमने 30 स्टेराइल यूनिट लिया था, 10 उसमें से चेक किया, अब रिमेनिंग जो 20 बचा है उसको भी हम लोग अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसको फिर इंडिविजुअल ऐसे करने के बाद फिर रिजल्ट क्या आएगा, नॉट मोर देन वन इंडिविजुअल कंटेंट ऑफ डोजेज यूनिट, यानी 30 में, इज आउटसाइड 85 to 115 ऑफ एवरेज कंटेंट एंड नन इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ 75 to 125। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 आपने ऐसे किया, नॉट मोर देन वन, यानी 29 जो है आउट ऑफ 30, 29 क्या होना चाहिए, 85 से 115 के रेंज में होना चाहिए, और जो एक रेंज के बाहर गया है, यानी 85 to 151, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 75 से 125, यानी वो 75 से 125 के बीच में, तो हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। यानी ये है हमारा ऐसे, यानी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट का, सिंपल दिमाग में रखना, जो रेंज है वो 85 to 115, और एक यूनिट, यानी पूरे ऐसे सिस्टम में एक यूनिट को रेंज से बाहर जाने की इजाजत है, वो भी 75 to 125, और एक से ज्यादा अगर रेंज से, एक से एक यूनिट से ज्यादा अगर हमारा रेंज से बाहर जाता तो टेस्ट हमारा फेल कर जाएगा। स्टेराइल टेस्ट, लास्ट टेस्ट है हमारे पास स्टेराइल टेस्ट। इट इज यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, यानी पैरोजन टेस्ट भी किया, अब हम लोग यहां चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ वाइबल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स। यूज टू कल्चर मीडिया, चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर इंक्यूबेशन, यानी हम यहां पे कल्चर मीडिया यूज करते हैं। कल्चर मीडिया मीन्स वो मीडिया होता है जिसपे माइक्रोब्स ग्रो करता है। इफ ग्रोथ इज फाउंड, रीटेस्ट इज परफॉर्म, यानी अगर ग्रोथ मिला तो हम लोग अगेन से रीटेस्ट करेंगे, और रीटेस्ट यूज करेंगे डबल नंबर ऑफ सैंपल एंड चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी यहां पे सिंपल सिस्टम है कि हम लोग कल्चर मीडिया यूज करेंगे, कल्चर मीडिया, और कल्चर मीडिया ये ऐसा मीडिया होता है जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स वो सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी वो कल्चर मीडिया देंगे और यहां पे हम लोग माइक्रोब्स अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे ग्रोथ, अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब माइक्रोब्स है। तो स्टेरिलिटी टेस्ट के लिए दो मेथड यूज करते हैं, मेथड 1 मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में देखें क्या होता है, इसका नाम ही है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, यानी अगेन यहां पे हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करेंगे और अपने सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। तो देखा जाए, ऑल स्टेप्स आर परफॉर्म्ड एसेप्टिकली इन क्लास 100 लेमिनार फ्लो हुड, यानी एसेप्टिक कंडीशंस में इसको यूज करेंगे, और कोई भी टेस्ट जो शुरू से लेकर आखिर तक सारे टेस्ट हम लोग एसेप्टिक कंडीशन में करेंगे, ताकि कोई भी एक्सीडेंटली माइक्रोबियल डिटेक्शंस के चांसेस ना रहें। यूज करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर जिसकी पोरसिटी होती है 0.5 माइक्रॉन्स, यानी जो पोर साइज होता है वो 0.5 माइक्रॉन्स होता है। प्रोसीजर देखा है, जो टेस्ट सोल्यूशन लेंगे, यानी जो लिक्विड है बोलेंगे, अगर ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन तो फिर उसको हम लोग पायरोजन फ्री सलाइन सोल्यूशन से
मिक्स करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन है तो इसमें ऐड करेंगे क्या, पायरोजन फ्री सलाइन सलाइन सॉल्यूशन वाटर, और फिर इससे हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, फिल्टर थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर से इसको पास करेंगे जिसकी पोर 0.5 माइक्रोन है। आफ्टर फिल्ट्रेशन रिमूव द फिल्टर, फिल्टर को रिमूव करेंगे एंड कट फिल्टर इन टू हाफ्स। यानी आपने टेस्ट सॉल्यूशन फिल्टर मीडिया से पास किया, फिल्टर मीडिया से पास करने के बाद उस फिल्टर मीडिया को दो पीस में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हाफ बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे और सेकेंड हाफ फंगस फंजाई के लिए यूज करेंगे। फर्स्ट हाफ बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफर इन 100 ml कल्चर मीडिया। कौन सा कल्चर मीडिया होगा ये याद रखने वाली चीज है, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया फॉर द बैक्टीरिया। और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में इसको ट्रांसफर करने के बाद इंक्यूबेट करेंगे 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नॉट लेस देन 7 डेज। यानी अब इसको इंक्यूबेट करेंगे 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 दिन के लिए, और इंक्यूबेट करने के बाद ऑब्जर्व द ग्रोथ इन मीडिया। यानी अब यहां ऑब्जर्व करेंगे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई कि नहीं, यानी बैक्टीरिया की। सेकेंड हाफ हम फंजाई के लिए करेंगे, यहां पे भी करेंगे ट्रांसफर इन 100 ml कल्चर मीडिया, और यहां पे जो मीडिया अलग होगा अलग सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अब हमारा जो मीडिया होगा वो होगा सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। इनक्यूबेट करेंगे 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर नॉट लेस देन 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 30-35 था लेकिन फंगस के लिए 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन मीडिया। तो सिंपल प्रोसीजर है, हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को फिल्टर मीडिया से पास किया, फिल्टर मीडिया से पास करने के बाद फिल्टर मीडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हाफ बैक्टीरिया के लिए और सेकेंड हाफ फंगजाई के लिए। बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, और फंजाई के लिए यूज करते हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया। इंक्यूबेट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ, किसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ बैक्टीरिया की हुई कि नहीं। सेकेंड है डायरेक्ट इनाकुलेशन मेथड। डायरेक्ट इनाकुलेशन हमने मेम्ब्रेन फिल्टर में मेम्ब्रेन यूज किया, लेकिन अब यहां पे कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं, डायरेक्ट सॉल्यूशन को कल्चर मीडिया में प्लेस करेंगे। यानी सुटेबल मेथड फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ऑयली लिक्विड, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। यानी अगर हमारे पास ऑयली लिक्विड है, ऑइंटमेंट है, क्रीम, तो इसको फिल्टर मीडिया से पास नहीं कर सकते हम लोग, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट इनाकुलेशन यूज करते हैं। प्रिपरेशन इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू कल्चर मीडिया एंड इंक्यूबेट फॉर नॉट लेस देन 14 डेज और ऑब्जर्व फॉर द ग्रोथ। सिंपल सिस्टम है, हम सोल्यूशन लेंगे अपना, यानी जो भी टेस्ट सैंपल है प्लेस करेंगे कल्चर मीडिया, फिल्टर नहीं होना चाहिए सॉरी, कल्चर मीडिया पे, और इंक्यूबेट करेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो सबसे सिंपल लैब सिस्टम है, यानी हमारा जो भी सोल्यूशन है उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं इन कल्चर मीडिया, और कल्चर मीडिया पे ट्रांसफर करने बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे, सिमिलर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस। यहां पे भी अगर बैक्टीरिया के लिए कर बैक्टीरिया सोडियम थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया यूज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऑब्जर्वेशन देखा जाए क्या है, नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ, यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हुई तो टेस्ट हमारा पास कर गया। देयर इज एविडेंस ऑफ ग्रोथ, अगर हमें जरा सा भी एविडेंस मिला ग्रोथ का, यानी टर्बिडिटी या एक कॉलोनी का फॉर्म हुआ, तो रीटेस्टिंग परफॉर्म करेंगे एज इज ओरिजिनल टेस्ट, जैसे हमने ओरिजिनल टेस्ट किया फिर उसी तरह से रीटेस्ट करेंगे। कोई एविडेंस अगर नहीं मिला तो फिर हमारा टेस्ट पास कर जाएगा। अगर देयर इज एन एविडेंस ऑफ ग्रोथ, अगर फिर ग्रोथ मिला तो उस माइक्रोब्स को आइसोलेट करेंगे, पता करेंगे कौन सा माइक्रोब्स है, आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, अगेन रीटेस्ट इज परफॉर्म करेंगे ट्वाइस नंबर ऑफ सैंपल। यानी अगर सैंपल 5 ml लिया तब आप 10 ml लेंगे। इफ नो एविडेंस ऑफ ग्रोथ, टेस्ट पास द टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। यानी ये ऑब्जर्वेशन है हमारा, यानी आपने सॉल्यूशन को कल्चर मीडिया पे ट्रांसफर किया और सर्टेन पीरियड इंक्यूबेट करने के बाद ग्रोथ ऑब्जर्व किया, अगर ग्रोथ नहीं हो रहा तो टेस्ट पास कर गया, अगर ग्रोथ हुआ तो रीटेस्ट करते हैं और पूरा अगेन उस सारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ। अगर ग्रोथ मिली और ग्रोथ नहीं हुआ, अगर नहीं ग्रोथ हुआ तो टेस्ट पास करेंगे, अगर ग्रोथ हुआ तो फिर हम लोग अब यहां पे माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करने बाद अगेन रीटेस्ट परफॉर्म करेंगे ट्वाइस नंबर ऑफ सैंपल से।
तो ये ओवरऑल हमारे पास था इवेल्यूशन ऑफ पैरामीटर्स का, कि डिफरेंट इवेल्यूशन से क्लैरिटी टेस्ट आपने दिया जिसमें आपने पार्टिकुलेट मैटर्स को ऑब्जर्व किया, लीकेज टेस्ट दिया जिसमें पैकेज इंटीग्रिटी को चेक किया आप लोगों ने, पैरोजन टेस्ट किया जिसमें आप लोगों ने रैबिट पैरोजन टेस्ट किया, आप लोगों ने लिमुलस लाल टेस्ट किया, और फिर आप लोगों ने स्टेरिलिटी टेस्ट किया प्रेजेंस ऑफ वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप सो कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थैंक यू।